इस बार तो ऐसा है कि धंधा पानी थोड़ा अच्छा चल रहा है, नहीं तो दो साल से तो ऐसा था कि सब बैठे हुए थे। इस साल थोड़ा मतलब ग्राहक भी थोड़ा तेज हो गया, थोड़ा माहौल पहले से तो मतलब दो साल से उतना कुछ ज्यादा नहीं था ना कोरोना के कारण, तो अभी इस टाइम पे मतलब कॉम्पेंसेट कर लेंगे दोनों सालों का। बच्चों को जो जो उनको खेलने के लिए चाहिए वो सब देना चाहिए, अपने घर में जो भाई वगैरह है उनको अपन जितनी हो सके मदद करनी चाहिए। दिवाली है खुशियों का त्यौहार और आ रही है लोगों के मन में खुशियों की बौछार, तो आइए आज हम आए हुए हैं जबलपुर में और यहाँ पे लगी हुई है दुकानें जो झालरों से लगी हुई है, तो आइए हम दुकानदारों से बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे दो साल बाद दिवाली अच्छी तरीके से मनाई जाएगी, तो इस पर आपका क्या विचार है? मैं लोगों काफ़ी पहले से काफ़ी बेहतर अच्छा लगा, कोरोना के कारण दुकानें मार्केटें से बंद थी, जिस वजह से काफ़ी लोगों को नुकसान भी था, कई लोग को मतलब देखा जाए तो अभी मार्केट खुलने से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होएगा और पहले जैसे जल्दी अपने जैसे लोग पहले कमाते थे खाते थे बढ़िया पैसे, दिन आने की काफ़ी अच्छी संभावना है। तो हमारे भैया बोल रहे हैं कि जैसा कि पहले कोरोना के चलते जो दिवाली थी हमारी उस तरह से लोग नहीं मना पा रहे थे और इस समय कोरोना हटा हुआ है तो लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। भैया आपकी दुकान की क्या चल रही है इस समय? भी चल रही है अभी धीरे धीरे थोड़ा चालू हुआ है पकड़ना, जैसे जैसे अभी रात भी का हो सकता है दिवाली का रक्षा हो जाए। और चाइनीज आइटम भी रखे हैं या मेड इन इंडिया? नहीं, मेड इन इंडिया ही आइटम है अपने, टोटल चाइना बंद है। तो कस्टमर्स भी रिव्यू कुछ देते हैं आप लोगों को? हाँ, कभी कभी जो रिटर्न मार्केट में आता है घूमने सामान लेने तो बीच बीच में मिल जाता है कि हम लास्ट टाइम तुम्हारे घर से सामान ले गए थे इसलिए वापस आए सामान लेने के लिए और वगैरह, फिर सामान लेके जाते हैं वापस लोग। हम आ चुके हैं एक रंगोली की दुकान पे। भैया आप सबसे पहले नाम बताइए। जी मेरा नाम शुभम चक्रवर्ती है। जी तो आपको इस साल दिवाली के लिए कैसा लग रहा है? दो साल बाद आपकी ये दिवाली आई है। अभी तो इस साल थोड़ा बढ़िया है भैया, दो साल से काफ़ी परेशानी थी, इस साल थोड़ा बढ़िया लग रहा है, काम करने में भी अच्छा लग रहा है, त्यौहार भी अच्छा है। एक बार का इस बार क्या अलग तरीके से मनाना चाहेंगे आप? किस प्रकार? जी बिल्कुल, इस बार तो ऐसा है कि धंधा पानी थोड़ा अच्छा चल रहा है, नहीं तो दो साल से तो ऐसा था कि सब बैठे हुए थे, इस साल थोड़ा मतलब ग्राहक भी थोड़ा तेज हो गया, थोड़ा माहौल। जी तो भैया बोल रहे हैं कि दो साल की तुलना में इस साल काफ़ी अच्छा हमारा माहौल बना हुआ है और उम्मीद करते हैं भैया आपकी दिवाली अच्छी हो। तो आप जैसे कि बैकग्राउंड से पता लगा रहे होंगे कि आज इस बार की दिवाली में कितना बड़ा उत्साह और उमंग है, तो आइए हम लोग यहाँ के दुकानदारों से भी बात कर रहे हैं। सर आप अपना नाम बताइए। नाम मेरा रितेश कुमार सोनी है। जी सर आपकी दुकान है या जी? कस्टमर नहीं, अपनी दुकान है। कितने साल से खोले हुए सर दुकान? इसको सर मेरे को 20 साल से ऊपर हो रहा है। 20 साल से चला मगर पहली बार ऐसी धनतेरस देख रहे हैं कि खाली जा रही है। इस बार की धनतेरस आप बिल्कुल खाली जा रही है, आप देखो मार्केट की हालत क्या है। फिर भी पिछले दो साल जैसे कोरोना लगा था उस टाइम का फिर भी ठीक था। अच्छा, अभी जो महंगाई की मार लग रही है उसके कारण बहुत दिक्कत जा रही है। तो अंकल जी हमारे बोल रहे हैं कि महंगाई की मार की वजह से इस साल की धनतेरस इनकी फीकी पड़ी हुई है। दिवाली आप किस प्रकार से खास मनाना चाहेंगे? दिए जला के घर से जाके। और पिछले दो सालों में जो दिवाली आपने मनाई और इस साल की दिवाली में कुछ प्रभाव पड़ेगा आपको? पिछले साल पटाखे नहीं चलाए थे, थोड़े बहुत पटाखे जला लेंगे। कोरोना काल के रहते हुए इतने अच्छे से अपन ने एंजॉय नहीं हाँ। किया दीपावली में, इस बार ज्यादा अच्छे से एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि कोरोना की वजह से पिछले दो सालों से लोगों ने यहाँ दिवाली अच्छी तरीके से नहीं मना पाई है, इस बार उम्मीद है कि अच्छी तरह से दिवाली यहाँ मनाई जाएगी। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। हम आ चुके हैं झूमर और रंगोली वाली दुकानों पे, आइए यहाँ पे भी देखते हैं लोग क्या कहना चाहेंगे। जी सर कितने सालों से आप दुकानें चला रहे हैं? 20 साल हो गए दुकान चलाते। 20 साल हो गए पिछले दो सालों से और इसके इस साल में सब कोरोना के समय भी लगाते रहे दुकान। कोरोना में भी आप? हाँ जी। कैसा प्रभाव रहा कोरोना में और सब? बढ़िया ही रहा, हर साल हमारा काम अच्छा रहता है। अच्छा रहता है जी। कस्टमर कैसे आ रहे हैं? अच्छे बढ़िया कस्टमर है। और महंगाई का कुछ? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं महंगाई का, सब ग्राहकी चल ही रही है, महंगाई नहीं है। अच्छा, तो हमारे अंकल बोल रहे हैं कि जैसा इनका हमेशा चलता वैसा इस बार भी अच्छा चलता आ रहा है। कैसा मनाना चाहेंगे इस बार दिवाली आप? पहले से तो मतलब दो साल से उतना कुछ ज़्यादा नहीं था ना कोरोना के कारण, तो अभी इस टाइम पे
मतलब कॉम्पेंसेट कर लेंगे दोनों सालों का। थैंक यू। तो देखिए इस बार दिवाली पे यहाँ पे कुछ भीड़ नजर आ रही है, जबकि पिछले दो सालों में हमारे यहाँ कोरोना की वजह से भीड़ जो थी बहुत ही कम थी और लोग उतनी तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि लोग अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ही उत्साहित हैं। इस बार आप दिवाली किस प्रकार से अलग मनाना चाहेंगे, क्योंकि पिछले दो सालों में कोरोना की वजह से आप दिवाली तो मिस कर रही होंगी। अब की बार दिवाली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और हम भी उसको बहुत ही एंजॉय करेंगे अब की बार, क्योंकि दो साल से सब अपने अपने घरों में अंदर पैक थे, अब की बार भगवान ने ये मौका दिया है दो साल बाद। हाँ, सभी को ये दीपावली बहुत ही शुभ हो और भगवान करे कभी अब कोरोना की बीमारी कभी लौट के ना आए और सब अच्छा रहे, सबके लिए मंगलमय हो दिवाली। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, आपका नाम जान सकते हो? निवेदिता शर्मा। थैंक यू मैम। जैसे कि आंटी बोल रही हैं कि पिछले दो सालों से वो घरों में कैद थे और भी लोग कैद थे, तो इस बार उन्हें दिवाली मनाने का बहुत अच्छा अवसर मिला है, तो जो चूकना नहीं चाहती हैं। और ये और भी लोगों से हम बात करते हैं। ये हमारे साथ एक मैम आई हुई हैं, ये भी आप अपनी राय दिवाली के लिए देंगी। मैम, इस बार की दिवाली आपके लिए किस प्रकार से स्पेशल होने वाली है? सर, अभी दो साल कोरोना के कारण दिवाली में कुछ चहल पहल नहीं रही, लेकिन अब इस बार बहुत एक्साइटेड हैं सब लोग, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो दिवाली इस बार बहुत अच्छी रहने वाली है। तो अभी तक आपकी क्या क्या तैयारियाँ हो चुकी हैं दिवाली के लिए? दिवाली के लिए कपड़े सबसे पहले हो गए, पटाखे वगैरह सब हो गए, अब थोड़ा खाने पीने का। चलिए मैम, आप बताइए किस प्रकार से आप इस बार सेलिब्रेट करेंगे दिवाली? इस बार में पटाखे वटाखे जलाएंगे अच्छे से। आइए सर से भी बात करते हैं। आइए सर। सर, आप सबसे पहले नाम बताइए। अखिल मदान। सर, पिछले दो साल में आपने देखा कि पेंडेमिक की वजह से जो है दिवाली बहुत ही फीकी सी लग रही थी, तो इस बार कैसे आपकी उत्साहित इस बार? तो ये देखने में आ रहा है कि पिछले दो साल की जो कसर है वो शहर की जो पब्लिक है पूरी निकाल रही है। डबल से डबल भीड़ है इस बार मार्केट में और हर शॉप में सेल हो रही है। बहुत बढ़िया इस बार दिवाली लग रही है मनाने में। हम लोग की भी पूरी तैयारी हो चुकी है, पटाखे ले लिए हैं, यहाँ पे आए हैं सेठी जी के पास मिट्टी लेने, रंगोली भी डल गई है घर में, लाइटिंग लग गई है, बहुत अच्छी दिवाली मन रही है इस बार। तो हमारे सर है, तो इस बार दिवाली दो साल की जो भी कसर छूटी हुई थी वो इस बार वो पूरी करके ही रहेंगे। आप भी पेंडेमिक की वजह से दिवाली जैसे दो सालों में मिस की है, तो इस बार कुछ अलग तरीके से क्या तैयारियां हो गई हैं? तैयारी देख रहे हैं सर, मैं तो शॉपकीपर हूँ। अच्छा, आप शॉपकीपर? जी जी जी। कैसी चल रही है आपकी शॉप? मार्केट बढ़िया चल रहा है, देख रहे हैं मार्केट में रश है, बाकी धनतेरस के हिसाब से जैसा होना चाहिए मार्केट वैसा नहीं है, डल है थोड़ा, फीका लग रहा है। जी जी जी, फीका। लेकिन फिर भी जो दो सालों में तो नहीं हो पाया होगा, तो इस बार तो हुआ होगा? इस बार डल है मार्केट, पेंडेमिक के बाद ज्यादा अच्छा था। अच्छा मैम, इस बार की दिवाली आपके लिए किस प्रकार से स्पेशल होने वाली है, जैसे कि पिछले दो साल पेंडेमिक की वजह से स्पेशल नहीं रही है, तो इस बार आप कैसी स्पेशल? दो सालों से तो हम लोग घर से निकले नहीं, तो अभी हम लोग को मौका मिला अच्छा से अच्छा दिवाली मनाने के लिए, तो बहुत खुशी से हम लोग सारी चीज़ें खरीद रहे हैं, खुशी से सारे सामान खरीद रहे हैं, दीपावली का सामान जैसे अभी मैंने ये सामान लिया है, तो ये सब खरीद कर हम लोग खूब अच्छे से दीपावली मनाने वाले हैं। बच्चों को जो जो उनको खेलने के लिए चाहिए वो सब देना चाहिए, अपने घर में जो भाई वगैरह हैं उनको अपन जितनी हो सके मदद करनी चाहिए और मिठाइयाँ बांट के अपनी खुशी जाहिर करना चाहिए।